हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इडू टैलेंट पर। ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का पांचवा वीडियो है, पांचवा और लास्ट वाला वीडियो है ये। अगर इसको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाँच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। हमें पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बताना है कि जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो पहले पाँच अंक की बड़ी संख्या लिख लें, कितना होता है? 99,999। बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। अब इसमें इसका हमें बताना है कि पूर्ण वर्ग मतलब ऐसी कौन सी संख्या पाँच अंक में बड़ी से बड़ी है जो कि पूर्ण वर्ग में हो। इसमें तो चार विकल्प दिया हुआ है, चारों में कोई भी हो सकता है। तो पहले हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। दो दो का पेयर करेंगे, तीन से कटेगा ये, 3 3 9, 9 में से 9 गए 0, 99 उतारेंगे, 3 और 3 6। अब 6 के बाद में एक लिख दें और एक से गुणा, तो 1 अन्नम 1 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 1 और 1 जुड़ जाएगा और ये 6 को उतार दिया जाएगा। अब बगल में 99 को उतार देंगे। अब 62 के बाद में ऐसा अंक लिखें कि उसी से गुणा करने पर 3899 से ज़्यादा ना जाए। तो कौन सा अंक हो सकता है ये? तो पहले हम 6 से चेक करें, 6 6 36, हाँ 6 से हो जाएगा, 7 से 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 से कर दें। तो 6 6 36, 6 2 12, 12 3 15, और 6 6 36 और 1 37, घटा देंगे इसको, 4 1 143 आ गया, 143 शेष बच गया। अगर ये 143 इसमें ना होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, यानी कि पूर्ण वर्ग हो जाता ये। अगर ये 143 इसमें ना होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता। इसका मतलब ये हुआ कि 99,999 में से हम 143 को माइनस कर दें। तो 99,999 में से 143 को माइनस कर दें, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया 99,856, ये विकल्प हो जाएगा डी वाला। बहुत ही आसानी से लग गया। अब ये वाला था कि बड़ी से बड़ी संख्या, उसी प्रकार है छोटी से छोटी संख्या। चलिए उसको देखते हैं कैसे लगेगा। यह है दूसरा क्वेश्चन, उसी का उल्टा है। उसमें दिया हुआ था कि बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें है 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? एक लिख करके 0 0 करते हैं, वही छोटी संख्या। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लें हम, तो 1 बना करके 5 0, 6 अंक हो जाएगा। 1 अंक ये, 2 3 4 5 6, ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है 6 अंक की सबसे छोटी जो कि पूर्ण वर्ग में है। तो इससे कम तो हम कर नहीं सकते, जैसे बड़ी वाले में घटा दिए थे 143, अगर इसमें से एक भी अंक घटा देंगे, अगर एक घटा देंगे तो ये 6 अंक के बजाय सीधा 5 अंक हो जाएगा। यानी कि अगर एक घटाएंगे तो 99,999, यानी कि 5 ही अंक बचेगा। तो इस वाले में हमको घटाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, जोड़ना है। जब लास्ट में जो आएगा शेष, उसके हिसाब से 1 अंक और बढ़ा देंगे और इसको जोड़ देंगे हम। तो पेयर करें, पहले दो दो का पेयर, 3 से कटेगा, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, 00, 3 जोड़ेंगे 6 आएगा। अब 6 के बाद में 1 लिख दें तो 61 हो जाएगा, 61 1 61, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, फिर 00 उतार देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 6। अब ये 62 आ गया। अब 62 के बाद में ऐसा कौन सा अंक लिख दें कि उसी से गुणा करने पर 3900 से ज़्यादा ना जाए। अगर इस तरह से करेंगे तो घटा देंगे, घटाने के बाद कुछ मान आएगा और उसको जब इसमें से घटाएंगे तो ये मान कम हो जाएगा, परंतु कम नहीं होना चाहिए। तो हमें करना क्या है कि जो अंक यहाँ पर लिखेंगे उसका 1 अंक ज़्यादा लेकर के जाएंगे। जैसे अभी हम कितना करें, 5, तो 5 से नहीं हो पाएगा, 6 से करें, तो 6 2 12, 6 8 36, यानी कि 6 से हो जाएगा ये। तो पहले 6 से चेक करें हम, तो 6 8 36, 6 2 12, 3 15, और 6 8 36 1 37, ये 3756 आ गया। यानी कि घटाएंगे तो शेष बचेगा और उस शेष को इसमें से घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग तो बन जाएगा, परंतु ये जो अंक है वो कम हो जाएगा, 6 अंक की बजाय 5 ही अंक हो जाएगा। तो हमें 6 की बजाय यहाँ पर 1 अंक बढ़ा देना है, यानी कि इसको 7 बार लेकर के जाना है। अब गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 7 49, 7 2 14,
चौदह चार अट्ठारह, सात छः बयालीस और एक तिरालीस। अब इसमें माइनस करेंगे हम, अब ये उल्टा माइनस किया जाएगा। तिरालीस सौ नवासी में से उनतालीस सौ को घटाएंगे तो नौ में से जीरो घटेगा नौ, आठ में से जीरो घटेगा आठ और तेरह में से नौ घटेगा तो ये चार, तीन में से तीन घटेगा जीरो, तो ये माइनस आ गया चार सौ नवासी। मतलब कि अगर ये चार सौ नवासी इस उनतालीस सौ में और जुड़ जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि तिरालीस सौ नवासी आ जाएगा जब उनतालीस सौ में चार सौ नवासी जोड़ेंगे तो ये संख्या कट जाएगा और पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमें जो छः अंक का छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ है उसी में हमको चार सौ नवासी को जोड़ देना है, घटाने के बजाय इसमें जोड़ना है, क्योंकि घटाएंगे तो अंक कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से अंक। कौन सा विकल्प सही है? ये सी वाला, आसानी से आ गया। ये तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर कह दिया जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तो वर्गमूल निकालेंगे, शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे। छोटी से छोटी संख्या आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे, शेषफल बच रहा है तो उसका एक अंक और ज़्यादा ले जाएंगे और उल्टा माइनस करेंगे और उसी जो मान को ला करके इसमें जोड़ देंगे, संख्या आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे वाले को। ये तीसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित होती है। हमें ऐसा छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो कि इन सबसे बारी बारी से पूर्णतया विभाजित हो और संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। क्या करेंगे? अगर पूर्ण वर्ग ना दिया होता तो सीधा एलसीएम निकाल लेते, संख्या हो जाता। तो काम इसमें भी वही करना है, 10, 12, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा अंक कमी पड़ रहा है, जो कमी पड़ेगा उसी को हम गुणा कर देंगे। तो 10, 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे दो से पहले, दो पंचे दस, दो छक बारह और दो नौ अट्ठारह, फिर दो से, दो तिहाई छः, नौ नहीं कटेगा। अब तीन की बारी है, तीन पचे पंद्रह, तीन तिया नौ, अभी भी एक तीन है, तीन से काट देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि सीरियल क्रम ही काटा जाए, हम पाँच से भी पहले काट सकते थे। तो अब गुणा करेंगे कितना आएगा, गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है हमें, हम इसको लिख दें दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन गुणे पाँच, इस तरह से। अब ये आ गया इसका एलसीएम। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 10, 12, 15, 18 से पूर्णतया विभक्त है, ये अगर इन सबको गुणा कर दें तो जो मान आएगा वो 10, 12, 15, 18 से विभाजित हो जाएगा। परंतु कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में दिखाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब दो दो का पेयर बनना चाहिए, तो ये दो पेयर बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन पाँच अकेला है। तो अकेला है तो क्या करेंगे, इसी में हम पाँच को गुणा कर देंगे। अब पाँच को गुणा करने के बाद जो इसका मान आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। पचास पच्चीस, पच्चीस सौ का सौ, सौ का तीन त्रिका नौ से गुणा, यानी नौ सौ, ये नौ सौ मान आ गया आसानी से। तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। अगला प्रश्न देखें, चौथा नंबर, ये हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। हमें ऐसा अंक बताना है जिसका वर्ग, हमें संख्या नहीं पता है तो संख्या को मान लें हम, ये यक्स भी मान सकते हैं, तो ये का स्क्वायर, संख्या का वर्ग, इस संख्या और ये संख्या दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है। यहाँ लिखा हुआ है दोनों के वर्गों के अंतर, मतलब कि पहले दोनों का स्क्वायर करेंगे फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि माइनस करेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो 975 बड़ा है, इसका वर्ग करेंगे, माइनस कर देंगे 585 के वर्ग को। अब देखिए क्वेश्चन, ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है। सॉल्व कर लें, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी, दूसरे में ये माइनस बी, तो 975 प्लस 585 और दूसरे ब्रैकेट में घटा देंगे इसको, तो 5 5 10, 8 7 15 16, 9 5 14 15 गुणे लगा देंगे ब्रैकेट के बीच में, 5 में से 5 गया 0,
17 में से 8 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 390 हो गया ये स्क्वायर बराबर। तो ये बराबर यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा। अगर ये का मान निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर जाकर के स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 1560 गुणे 390। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आसान तरीका है कि बड़े वाले को पहले तोड़ लें, देख लें कि क्या हो सकता है 390 इसी में आ जाए। तो 1560 को तोड़ेंगे, 2 × 7 = 15, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 7, 2 × 9 = 18, ये 390 आ गया इसी में। तो 390 यहाँ पर आ गया और एक 390 पहले से दिया हुआ है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पेयर बने, तो दोनों का पेयर बन रहा है, हमें तोड़ने से क्या फ़ायदा। 2 × 2 × 390 और एक 390 पहले से दिया हुआ है, 390 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो 2 × 390 पेयर बनने के बाद एक एक बाहर निकल आएगा, गुणा कर देंगे, 2 × 0 = 0, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6 = 7, यानी कि 780, ये विकल्प हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह है पांचवा क्वेश्चन। 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। अभी तक था पूर्ण वर्ग, अब आ गया पूर्ण घन, यानी कि तीन तीन को एक साथ में पेयर करेंगे। अब तो विकल्प में दिया है 4, 7, 9, 25, तो ये तो बाद में आएगा, पहले इसको हम तोड़ लें। 1029 का अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 1029 किससे कटेगा, 9 × 2 = 11, 1 = 12, यानी कि 3 से कट जाएगा ये, 3 × 3 = 9, 1 × 3 = 12, 3 × 3 = 9। अब ये 7 से कटेगा, 7 × 28, 7 × 9 = 63, 7 × 7 = 49, 7, ये आ गया 3 × 7 × 7 × 7। अब आ जाए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर ये पूर्ण घन बनेगा। पूर्ण घन का मतलब होता है कि तीन तीन को एक साथ में मिलाएं, या ये भी कह सकते हैं कि 7 का घात 3 बनना चाहिए, या 3 का घात 3 बनना चाहिए। तो घात 3 को बनाने के लिए क्या करना होगा, वही अंक 3 बार आना चाहिए, लेकिन 3 कितनी बार है, केवल एक बार। तो कितना गुणा करना होगा, 3 2 और गुणा करना पड़ेगा हमें। जब 2 3 और रहेगा तब ये जाकर के पूर्ण घन बनेगा, क्योंकि 7 तो है 3 बार, परंतु 2 नहीं 3 नहीं था, 3 की संख्या 2 कम थी, यानी कि 3 × 3 = 9। अगर 9 से इसमें गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और इस सेशन का ये वर्गमूल और घनमूल का ये लास्ट क्वेश्चन है पूरा, इसके बाद कुछ दूसरा आएगा। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। उसमें था गुणा करने पर, इसमें है भाग देने पर, प्रक्रिया वही करना है। उसमें गुणनखंड किए थे, इसमें भी गुणनखंड करना पड़ेगा हमें। तो 3600 का अभाज्य गुणनखंड, ये कटेगा 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 × 9 = 18, फिर 2 से 2 × 4 = 8, 1 × 9 = 2, 5 = 10, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 5, 2 × 5 = 10, अब 3 से कटेगा ये, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 25 आएगा, 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, ये इतना आ गया। अब इन सभी को लिख लें, 2 × 2 × 2 × 2 चार बार हो गया। अब 3 × 3 × 5 × 5, तो 3 × 3 × 5 × 5 इतना आ गया ये। अब इसमें कह रहा है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो घन का मतलब ये है कि तीन तीन एक साथ में आने चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि 2 की घात 3 बने, 3 की घात 3 बने, 5 की घात 3 बने, और इस 2 की घात भी 3 बने, लेकिन नहीं बन रहा है। तो जो इसमें बच रहा है उसी से हम भाग दे दें, बच कितना रहा है, ये इतना बच रहा है। अगर इस पूरे को इसी पूरे से भाग दे दें तो ये सब खत्म हो जाएगा और बच जाएगा 2 × 2 × 2, यानी कि 8, ये संख्या 8 पूर्ण घन बन जाएगा। तो जो इसमें बच रहा है उसी से अगर हम भाग देंगे, यानी कि 2 × 3 × 3 × 5 × 5 से, तो ये जाकर के संख्या पूर्ण घन बनेगा जिस हिसाब से वर्गमूल वाले में था। तो कितना आ रहा है इसमें भाग देने वाला अंक, तो 2 × 5 = 25, 2 × 9 = 50, 3 × 3 = 9, यानी 50 का 9 से गुणा, 9 × 5 = 45, ये आ गया 450।
अगर हम 450 से इस पूरे 3600 को भाग दे दें तो जो संख्या बच जाएगा 8, ये पूर्ण घन हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि किस संख्या से गुणा किया जाए, तो गुणा करने का मतलब है कि दो एक बार है, दो बार और दो चाहिए, यानी कि 2 × 2, 3 2 बार है, 1 3 और चाहिए, 5 2 बार दिया हुआ है, 1 5 और चाहिए, 5 15 2 3 2 60, यानी कि 60 में ही ये हो जाता। अगर 60 इसमें गुणा कर देते तो गुणनफल पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाता, लेकिन भाग करने के लिए कह रहा है तो जो बच जाएगा उसी से हम भाग दे देंगे और भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ये वर्गमूल और घनमूल का जो प्रश्न था ये समाप्त हो गया। इसके बाद कुछ दूसरा टाइप का प्रश्न लेकर के आएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।